भाई जो जो मिलने की वजह से जो भोग रहा भाई, वैसे तो पूछ ला रही है हल्की हल्की पर कुछ भरोसा नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब, आप सब बढ़िया हो गए? आपका स्वागत है पिटबुल लवर व्लॉग में। तो गाइस, जैसे कल मैंने बताया था कि भाई जोजो को और बुजो को लेके जाएंगे रोक्सी के पास, आज उनका रिएक्शन देखते हैं भाई, रोक्सी का भी और जोजो और बुजो का भी भाई, इनका क्या रहता है, इन्हें एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे भाई, देखते हैं एग्रेसिव होते हैं या फिर फ्रेंडली मिल जाते हैं ये एक दूसरे से। देख लो भाई, बुजो तो अभी अंदर बंद है फिलहाल, और जोजो देख लो भाई, ये लोटा मेरे सामने बाहर देख रहा है। कैसे देख रहा भाई मुझे, आ गया उठ के भाई, तुरंत नाम लेते ही जोजो अभी भाई, मैं इसे घुमा के लेकर आया था फिलहाल थोड़ी देर पहले भाई, सुबह सुबह भाई, क्योंकि पापा इसे लेके गए थे ना, तो भाई गुस्सा दिखा रहा था, पता ना किस चीज़ का भाई, मुझे कभी काट रहा था, कभी कपड़े फाड़ रहा था भाई बार बार। अभी इसे लेकर आया ना घुमा के भाई, अब आराम से लेटा मजे में, अब ठीक है ना जोजो, अब तो तू घूम के आ गया भाई। भाई सुबह सुबह भाई टप्पू भाग गया था खेत में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, उसे अभी अभी नहला के भाई बंद आया है दोबारा भाई, हाथ नहीं आ रहा था किसी के भी, देख लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, उसे देख लो भाई, मुझे बुला रहा है, देख लो भाई कांप रहा है। जब भाई इसे नहाया था ना, जब उस टाइम पे इतने तेज कांप रहा था ना, बहुत तेज, फिर भाई इसका साफ करा, फिर बाद में इसे यहाँ पर बांधा, अब देख लो भाई अभी इसे गर्मी लग रही थी इसी वजह से इसके लिए पंखा चलाना पड़ा, और देख लो मुझे बुला रहा, देख लो। हाँ टप्पू भाई ऊपर बैठने के लिए उतावल हो रहा है तो ज्यादा, देख लो आ जा, देख लो भाई इसका थोड़ा डर है, देख लो ये बुलावे तो है, पर भाई वो काठे भी है, देखो टप्पू ला, देख लो हाथ पकड़ा भाई तुरंत, मैं इसे हाथ दूंगा ना, देखो हाथ दे गए मुझे, और भाई तुरंत हाथ पकड़ा है, ला ला, बहुत तेज हो रहा है, देख लो भाई इतना तेज है बहुत ज्यादा, देख लो भाई इसे हड्डी ना मिली ना एक दो दिन से, देख लो भाई इसके दांत इतने खुल रहे, यो भी खाट का पाया खावे, और देख लो भाई जो जो भी खाट का पाया खावे भाई, और देख लो मेंढी भी आगे नीचे उतर गए भाई, इसका डर रहा है थोड़ा सा, कभी इनकी लड़ाई बच जाओ आपस में, क्योंकि इसकी और उसकी बनती ना बाहर, तो यार जब ये खोल दे ना तो ये घूमता है आराम से, जब खोल देख लो भाई इसका भौंकना शुरू हो गया, इसका ही भोगना शुरू हो गया भाई, मैंडी को देखते ही तो खैर एग्रेसिव रहा है, मैंडी के रिस्क तो कभी जिंदगी में बने नहीं, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो, ये तो पता चल गया भाई, इन्हें एक साथ भी छोड़ के देख लेता भाई, इन दोनों की तो फाइट हो गई थी, देख लो अब बार पता ना भाई किसे देख के भोग रहा, मम्मी खैर गेट लगाने गई है ना, मम्मी को देख रहा भाई कौन आ गया, देखो भाई बहुत चालू है वो, ये छोटा सा भैंसों को भाई, अभी इसकी उम्र गाइस बताना भाई फिलहाल इसकी उम्र कितनी होगी, एक साल का होगा, डेढ़ साल का होगा, या फिर कुछ महीनों का होगा। टप्पू से मिलने बुजो भी आ गया भाई, अभी तो ये अंदर था, ओए कहाँ जा रहा, रुक जा तुझे बाहर की एंट्री नहीं है भाई, इसकी बाहर का डर लगा क्योंकि भाई इसने एक दो कुत्ते पकड़ लेते ना, इसे देख लो भाई कितना पागल हो रहा, अभी तो मैं इसे घुमा के लेकर आया था भाई, फिर जाने को कर रहा, अब ना लेके जाने का भाई, खैरी से देखो भाई मेरा हाथ पकड़ रहा बिना बात की, भाई मैं इसे लेके जा रहा ना तो देख लो वो कैसे मेरा हाथ पकड़ रहा, मुझे लेके चल, देख लो भौंकने लग रहा भाई, खैर इसे अभी घुमा के लगाया था, अभी इसे लेकर जाने का भाई, बुजो को लेकर जाऊंगा, इसे तो अंदर बंद करूंगा, ये तो भाई बहुत आराम है, देख लो इनके बुजो को भाई डर, बुजो ही भाग गया इससे डर के, चला बुजो चल तू अंदर चल पहले, अभी तेरा पट्टा लगाऊंगा, इसे पट्टा खोल कर अंदर बंद करूंगा भाई, और इसे लेकर जाऊंगा अब भाई, जोजो को तो घुमा के आया था तो बुजो घुमा के लेकर आता हूँ जल्दी से, बुजो को अभी लेकर आया था ना, बुजो को भाई दुश्मन दिख गया था, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, दुश्मन को देख कर देख लो भाई, और मैंडी भाग गए थे उनके पीछे, उधर वो बैठा भाई वहां पे जाकर, इसे दुश्मन दिख गया था इसका, इसी वजह से भाई उसके पीछे भाग लिया था, अभी वो तो बच गया भाई, फोन भी गिर जाता और भाई साथ में मैं भी गिर जाता, वो तो शुक्र मानो कैमरा उस टाइम पे भाई ऑन ना था, मैंने तुरंत जेब में फोन रख लिया और इसे एक हाथ से भाई तुरंत खींचा मैंने, नहीं तो आज भाई मैं भी गया था और फोन भी गया था, अच्छा और भाई वो कुत्ता भी गया था भाई शुक्र मानो, वो तो इसे मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया एकदम, कुछ ज्यादा पावर लगाने लगा इसे, तो मैं घुमाने क्या लेकर आता हूँ भाई, इसका दुश्मन दिखते भाई इतनी पावर लगा है ना ये बहुत ज्यादा, इसके दो तीन कुत्ते दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि दो बेरा भाई इसके पीछे से पकड़ लिया था ना, दुश्मन ही बहुत भयंकर हो चुकी है भाई बुजो की, जब भी वे कुत्ते दिख जाते हैं ना दोनों तीनों में से भाई तुरंत ही उनके पीछा भगला भाई, इतना एग्रेसिव हो जाएगा ना भाई, ऐसा करा भाई पट्टा तोड़ने को तैयार हो जा भाई, एक बार तो जंजीर में से निकल का भाग गया था भाई, बहुत मुश्किल में पकड़ा था इसे, देख लो भाई उधर मैंडी को देख रहा भाई, ऐसा भाई और कुछ ना दिख रहा भाई, क्योंकि वो कुत्तों को ढूंढता रहा इधर उधर भाई, क्योंकि मैंडी के आसपास घूमते रहा मैं ना, मैंडी से फाइट हो गई थी उनकी कई बार, तो भाई देख लो जब जिंगे मैंडी जाओ ना भाई उधर की उसकी नजर रहा है, क्योंकि ऐसा पता भाई, क्योंकि मैंडी पे तो आराम से चिपट जा भाई, इसके सामने भी हाथे नहीं निकल गया, इसने इतना खौफ बिठा रखा बहुत ज्यादा, डॉन है ना जो हमारे का, जब भाई मैंडी की फाइट हो गया ना तो भाई तुरंत आएगी, जोजो और बुजो का दौर आया भाई, बुजो को और जोजो को ले जाओ तुरंत भाई, क्या बोला तूने, बुजो को और जोजो को ले जाओ तुरंत भाई, साले का खोपड़ी तोड़ साले,
फाइट होने के लिए भाई इसे देखते ही तो और जो जो को देखते तो भाई सारे कुत्ते भाग जाओ भाई, गली के एक भी कुत्ता नहीं दिखता। देख लो गाइस मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई, देखो मैंडी बोजारी और देखो भाई वो कड़ा एक छोटा भाई कुत्ता ही है वो भी खैर, और देख लो भाई वो कितना एग्रेसिव हो गया उसे देख रहा भाई बार बार, क्योंकि मैंडी उनका जारी ना, क्योंकि भाई मैंडी की कई बार फाइट हो गई थी इसी वजह से भाई वो अब चौकन्ना रहा है मैंडी के द्वारा भाई, एक भी कुत्ता नहीं आ सकता जब जब तक ये घूम है भाई मैंडी के साथ साथ रह रहा है वो, तो ऐसा मैंने पकड़ रखा भाई नहीं तो उनको चल देगा तुरंत ही। देख लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देख लो भाई तुरंत ही चलने को तैयार हो जाएगा, देख लो भाई मैंडी की तरफ को आ जा। तो गाइस देख लो फिलहाल मैं इसे घर लेकर जा रहा था ना भाई, देख लो इसे कुत्ता दिख गया वो जरा बाघ का भाई, इसका पीछे एक बार भगा था ना और देख लो भाई कितना एग्रेसिव होगा खड़ा भाई, इसने भाई अपना मतलब कि खड़ा होने का स्टाइल ही चेंज कर दिया, देख लो भाई उनका कोई भग रहा कुत्ते की तरफ को। तो गाइस फिलहाल अभी इसे भाई घर ही लेकर जा रहा हूँ, कभी छुटका भाग जावे हो उस मत ना करे, पकड़ लेगा नहीं तो ध्यान नहीं। तो गाइस देख लो भाई घर जा रहा था, रोक्सी से जरूर मिलना आता है भाई बुजुर्ग, क्योंकि भाई रोक्सी मर गई थी ना, इन्हें क्या पता भाई अब वो मर गई या कहाँ गई, इसी वजह से मैंने इसका नाम ही रोक्सी रख रखा था भाई अंदर, भाई इसका नाम ही मैंने रोक्सी रख रखा है इसी वजह से भाई, वो इसी देखना आया रोक्सी के नाम पे, क्योंकि भाई रोक्सी से बहुत प्यार था इसे। फिलहाल भाई बूजो को बांध दिया और भाई अनुज ने मुझे बुलाया घर पे, क्योंकि अनुज को पता नहीं भाई बंदर का बच्चा कहाँ से मिल गया और उसके चोट भी लग रही है, तो गाइस चलो देखने चलते हैं भाई उसको। तो गाइस फिलहाल पहुंच चुका हूँ भाई लाला जी के पास, और लाला जी को देख लो भाई टीवी देख रहे हैं, इसका नाम वैसे तो अनुज है भाई, मैं तुम्हें बताना भूल गया था क्या हो गया भाई से मिला बताना, बंदर का बच्चा कहाँ से मिल गया, बंदर का बच्चा हो तुमने लाइट और भगवा दिया, अब लाइट भाग गई तो मैं क्या करूँ, बंदर का बच्चा कहाँ से मिल गया, वो बकरे मोड़ पे से मिला, मतलब कैसा करंट तार में जा पड़ा था मेरे पापा जी को मिला, अच्छा अब माँ उसकी मर चुकी है, हाथ उसमें जख्म हो रहा उसके, कोई बात ना जख्म वखम तो हम देख लें। तो गाइस अभी फिलहाल देखते हैं, चल के चलो। मुझसे भाई अनुज बता रहा था इस डॉक्टर भी आया था, डॉक्टर ने भी इसका ट्रीटमेंट करा था, और भाई अब फिलहाल देखते हैं इसका पाउडर डाल का भाई इसका आराम लगता है या नहीं लगता है। तो गाइस फिलहाल देख लो भाई यो भी आ गया गंजा भी यहाँ पे भाई अनुज से, मैंने तो अभी भाई दवाई मंगाई थी ना जाके ये पाउडर लेने गया था, पाउडर लेकर आ गया भाई, इसका पाउडर छिड़कते हैं पहले इसका जख्म सूखने का, उसके बाद इसका फिलहाल ट्रीटमेंट करेंगे भाई, पहले इसका कुछ देखते हैं भाई पाउडर से अगर इसे आराम लगता है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर का भी दिखाया था भाई से, डॉक्टर से तो कुछ आराम लगानी है अभी फिलहाल। तो भाई अभी इसका पाउडर वगैरह घेर के देखते हैं, पाउडर से देखते हैं भाई आराम लगेगा या नहीं लगेगा भाई। हाँ फिलहाल भाई इसका पट्टी वट्टी कर दिया और भाई पाउडर भी डाल दिया था, अब इसकी देखते हैं भाई एक दो दिन में कैसी कंडीशन रहेगी भाई, इसका भी रोज ट्रीटमेंट चलता रहेगा जैसे भाई फिलहाल उस कुतिया का चल रहा है। फिलहाल भाई अभी जा रहा हूँ मैं घर, घर पहुंच के मिलता हूँ सीधा। तो गाइस फाइनली भाई जोजो को लेकर जा रहे हैं रोक्सी के पास भाई, इन दोनों का रिएक्शन देखते हैं क्या रहता है। फाइनली भाई जोजो को लेकर आ गया भाई रोक्सी के पास, इन दोनों का रिएक्शन देखते हैं भाई क्या रहता है। भाई रोक्सी को वो बांध रखा गोलू ने और देख लो भाई जोजो हो रहा, इन दोनों को मिलाते हैं भाई धीरे धीरे, देखते हैं भाई एक दूसरे पे अटैक करते हैं या नहीं करते भाई, देख लो अभी तो फिलहाल भाई जोजो तो खुश हो रहा है इसे देख के रोक्सी को, ओ भाई उसका कुछ भरोसा ना भाई, वो अटैक करता है किस मूड में भाई, क्योंकि पूछ तो वो हिला नहीं रही भाई, देख लो धीरे धीरे भाई जोजो मिलने की वजह से जो भौंक रहा भाई, वैसे तो पूछ हिला रही है हल्की हल्की पर कुछ भरोसा नहीं है जोजो नो। भाई देख लो रोक्सी तो सामने खड़ी है भाई, गोलू ने इसे पकड़ रखा टाइट भाई, देख लो अभी तो खैर एक्टिव हो रही है ना अब तो बहुत ज्यादा, इसी वजह से कुछ कह नहीं सकते भाई, कभी वो अटैक कर दे भाई जोजो को भी पकड़ रखा, जोजो तो खैर कुछ कह रहा ना भाई, जोजो चलो आ जा रोक्सी, देख लो भाई भाई वैसे तो भाई देख लो दोनों को दोनों भाई अब मिल ले कुछ नहीं कह रही भाई, पर भरोसा भाई कुछ नहीं, देख लो भाई एग्रेसिव हुई पड़ी है भाई उसकी पूंछ से पता चल रहा, देखो भाई भाई देख रहे हो गाइस ईसा भाई एकदम ये जो जो इसके पास गया था ना भाई अभी पकड़ लेती एकदम भौंकने लग गई इसे इसके दौरे जाते ही, और देख लो भाई कैसा खड़ी होगा पूंछ ला के दिखा रही मुझे, देख लो भाई भौंक के दिखा रही है, देख लो भाई जो जो मिलने की कोशिश कर रहा, कभी इसका चिपट जा भाई से टाइट पकड़ के रखना पड़ेगा कभी भाई कभी चिपट ही जा भाई जो जो, क्योंकि गोल ने भाई रोक्सी को टाइट ही पकड़ रखा। खैर अभी फिलहाल तो भाई देख लो भाई बूजो को ना लेकर आने का हूँ, इसका मतलब भाई बूजो को ले आया ना तो भाई बूजो की तो फाइट हो जाओगी, इसके दोहरा अगर लेकर आ गया मैं रोक्सी के पास बूजो को तो इसी वजह से भाई इससे ही पता चल रहा भाई यो इससे लड़ाई करने को तैयार है भाई बूजो तो, क्योंकि छोड़ने का ना बूजो तो भाई घूरेगा जरूर, बूजो एकदम अटैक मूड में आ जाएगा भाई अटैक कर देगा इसके ऊपर, इसी वजह से भाई इसे मिलाने लेकर आया हूँ। देख रहा भाई रोहित भी आ गया, रोहित अभी आया था भाई काम करके, और देख लो भाई रोक्सी अभी वहीं है उसके द्वारा, देख लो भाई वो पहुंच गई रोक्सी इसे भी कुछ ना कहती भाई, अब तो ये सबसे घुल मिल लिया, क्योंकि भाई शाम के टाइम सब ईसा जब खाना वगैरह देना है ना भाई खाना देवे जब भी वो सबसे मिलती है, और भाई देख लो यो कितना पागल हो रहा आज तो ही, क्योंकि भाई यो बनी का मालिक है इसी वजह से पागल हो रहा भाई, इसमें है ना इसका भाई था छोटा बनी, इसे देख लो भाई भौंक रही
इधर से आ रहे हैं ना ये, आप भी अमृत तोड़ आ रही थी ना, यो इन्हें देख कर भोखरी देख लो भाई कैसी एग्रेसिव हो रही है भाई, अगर इसे छोड़ दिया ना तो तुरंत भाग जाएगी। देख लो भाई अब तो कैसा हाथ फिर आ रही है, अभी तो फिलहाल ये किसी को कुछ कहती ना भाई, बाद का कुछ पता नहीं जब ये ठीक हो जाएगी। पाउडर इसका गिर गया हमें अभी, फिलहाल भाई जोजो को जैसे इससे मिला रहे थे ना भाई, स्टार्टिंग में तो कुछ कह नहीं रही थी, और भाई देख लो अब थोड़ी देर बाद ही भाई इसे जोजो को भौंकने लगी, और जोजो भाई एग्रेसिव सा हो रहा भाई, और वो तो लगी रही थी भाई क्योंकि उसने पूंछ उठा रखी थी ना, एग्रेसिव लग रही थी वो, कभी इनकी फाइट हो जाए भाई इसे इसलिए ज्यादा नजदीक नहीं लेकर जा रहे, और बूजो को तो भाई लेके ही नहीं आने का क्योंकि बूजो का तो फुल डर रहेगा, क्योंकि भाई उसका अगर चैन निकल गई ना गले में तो इस पर तुरंत अटैक कर देगा वो, तो भाई इनकी फाइट हो जाएगी बहुत तगड़ी। अभी तो बीमार है इसी वजह से तो कुछ कहने की नहीं, पर भाई जो बूजो का कुछ नहीं पता, बूजो अटैक कर देगा भाई, बूजो छोड़ने का नहीं, बचाव तो खैर हम ही करना पड़ेगा, इसलिए इसके द्वारा हम उसे लेके नहीं आने का, जब भी ठीक हो जाओगे ना उसे तो जब मिलाएंगे भाई अब बिल्कुल। और भाई जोजो को अभी फिलहाल लेके जा रहे हैं घर पे, और ईसा भाई थोड़ी देर ईसा घुमाते हैं रोक्सी को यहीं पर, फिलहाल भाई जोजो घर लेके जा रहा है क्योंकि इसके साथ तो भाई बहुत देर तक घुमा ली, और भाई इनका कुछ भरोसा नहीं है आपस में, कभी इनकी फाइट हो जावे जोजो को, इसलिए फिलहाल घर छोड़ते हैं फिर मिलते हैं। जोजो को तो घर छोड़ दिया, और रोक्सी को भाई पट्टा खोलना पड़ेगा रोक्सी का पहले यहीं पे, क्योंकि भाई वो एकदम गेट पे भाग लेगी, बाहर बच्चे भी घूमते रहते हैं उनका कोई भरोसा नहीं है भाई, कभी हो जाएगा उन पे चिपट जावे। फाइनली भाई रोक्सी को छोड़कर आ गया, और भाई जोजो को भी लेकर आ गया, इनका कोई भरोसा नहीं था कभी इनकी फाइट हो जाती, इसी वजह से भाई बूजो के नहीं लग गया। तो गाइस फिलहाल इस ब्लॉग को इसी के साथ यहीं पर खत्म करते हैं, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय एंड टेक केयर।